हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए अभी बात करेंगे वोल्टा के जो चैट पैटर्न क्रिएट हुआ है, उस चैट पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, वोल्टा का जो चैट फॉर्मेशन हुआ है, वो चैट काफी डेंजरस चैट फॉर्मेशन हुआ है। यानी काफी जो स्ट्रॉन्ग चैट बना था, वो स्ट्रॉन्ग चैट अभी वो नहीं है, यानी चैट उसका वीक हो गया है। तो आप देख सकते हैं, इसका जो डे बेसिस का एक चैट बना है, फॉलिंग वेडेस जो पैटर्न बना है, इसमें आपको पता लगता है इस आसपास यानी 836 आसपास एक आपको रिवर्स फॉर्मेशन होगा। यानी ये स्टॉक ऊपर आ सकता है, बाउंस आ सकता है। जो बाउंस आएगा, वो बाउंस कितना तक आएगा, ये सबसे बड़ा बात है। यानी जो बाउंस आने वाला है, बाउंस आपको लगभग आपको 921 आसपास आ सकता है। इससे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है जो बाउंस आपको दिखाई दे रहा है। यानी डे बेसिस का जो चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, चार्ट में जो चार्ट के जिस लेवल पर आप अभी है, इस लेवल पर आप देखेंगे तभी आपको जिस लेवल पर है, यानी 833 लेवल है, यानी यस्टरडे ये बनाया था। तो आप इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो रिवर्सल आएगा, ये 921 तक आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, और इसके ऊपर टिकेगा तो जाएगा। लेकिन ये अभी के लिए ये चार्ट बहुत ही वीक चार्ट फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका 30 मिनट टाइम फ्रेम आप देखेंगे तो कुछ भी आपको कुछ भी फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन डे बेसिस में क्या हुआ था, एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था। ये जो डबल टॉप बना था, ये आपको जुलाई 2022 में बना था, डबल टॉप बना था डे बेसिस में। इसके बाद एक 30 मिनट टाइम फ्रेम आप देखेंगे, इसमें आपको एक बटम बना था, यानी डबल बटम बना था, यानी बुलिस फ्लैग पैटर्न बना था। उसके बाद एक डबल बटम बना था, और इसके बाद एक थोड़ा सा मूवमेंट आया था, यानी अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला था। ये था 859 लेवल, जिस लेवल के ऊपर से क्या हुआ था, एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला था 100 पॉइंट का आसपास। तो आपको जो पॉइंट आपको देखने के लिए मिला था, वो था 928। इसके बाद आपको क्या हुआ ना, उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट सेक्शन आप देख सकते हैं क्या हुआ है। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और रिजल्ट अच्छा नहीं आया इसलिए क्या हुआ ना, इसमें आपको गिरावट फिर से कंटिन्यू देखने के लिए मिला। और 2 दिन में आपको आसपास 11% आसपास, यानी 11% के आसपास नीचे आपको फॉल देखने के लिए मिला। तो ये जो फॉल आपको देखने के लिए मिला है, इस जो फॉल का जो पोजीशन आप देख रहे हैं, इस पोजीशन से एक रिवर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी ये स्टॉक ऊपर जाएगा, यानी आपको आसपास 80 पॉइंट के आसपास, 70-80 पॉइंट के आसपास ही ऊपर जा सकता है। लेकिन उसके ऊपर हमें एक रिव्यू लेना चाहिए, क्या ये स्टॉक ऊपर सस्टेंस करने के लिए लायक है या नहीं है। लेकिन इसका जो चार्ट पैटर्न है, आप देख सकते हैं ये चार्ट पैटर्न अभी खराब हो चुका है। इसलिए आपको इस चार्ट पैटर्न में एक नीचे में एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न जब तक नहीं बनता है, तब तक के लिए वोल्टा को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं कि रिवर्स जो आने वाला है, ये स्टॉक में एक बाउंस आने वाला है, यानी शॉर्ट कवरिंग देने वाला है स्टॉक, इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। जो पोजीशन बनाएंगे वो 60-70 पॉइंट के आसपास होगा, यानी आपको 845 चल रहा है, मान लो आप 50 पॉइंट के लिए आप इसमें बना सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। यानी आपका टारगेट रहेगा 900 का टारगेट रहेगा, यानी यही टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जल्दी से जल्दी पोजीशन आप बनाकर फिर से इसमें एग्जिट कर सकते हैं। इसका जो आप मूविंग एवरेज देखेंगे, मूविंग एवरेज जो फॉर्मेशन हुआ है, वो मूविंग एवरेज में एक डिक्लाइन फॉर्मेशन हुआ है। जो डिक्लाइनेस फॉर्मेशन हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप देखेंगे तो इसमें जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है, डाटा क्या फॉर्मेशन हुआ है आपको पता लगेगा। देखिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ 200 पीरियड मूविंग एवरेज 876 ये ब्रेक कर दिया है। डे बेसिस का आप देखेंगे तो डे बेसिस का जो डाटा फॉर्मेशन हुआ है, ये डाटा आपको बोल रहा है 1031 1013, इस लेवल तक ये जाने के लिए तैयार हो सकता है। क्योंकि इसका जो RSI आप देख सकते हैं, ये RSI काफी नीचे है, काफी नीचे आ गया है। तो एक करेक्शन आने के बाद एक बाउंस बैक आता है, और एक टाइम करेक्शन के लिए ये चला जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है, 30 मिनट टाइम फ्रेम का जो पॉइंट है,
इस पॉइंट के आसपास यानी 878 से लेकर 900 इसके बीच में कभी भी आपको मिलता है प्राइस, तभी आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है ये चार्ट पैटर्न काफी खराब हो चुका है और हमें वेट करना चाहिए नीचे से एक अच्छा चार्ट पैटर्न जब क्रिएट होगा तभी हमें वोल्टा में पोजीशन बनाना चाहिए। लेकिन आप बाउंस बैक का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बाउंस के लिए इसमें पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं 978 से लेकर 877 से लेकर आप ले सकते हैं 890 या 900, इसके बीच पर आपको कभी भी प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा क्योंकि फिर से ये स्टॉक नीचे आने के लिए संभावना ज्यादा है। थैंक यू सो मच।